And a breaking news that we are getting from Gujarat, Surat, where 6 labourers were killed and 20 others were injured after a chemical tanker leaked in Sachin GIDC area. So very, very tragic news coming in from Surat, where an incident happened of chemical leak and 6 labourers were killed and 20 others were injured after a chemical tanker leaked in Sachin GIDC area. The news coming in from Surat right now, and this particular incident has claimed 6 lives of labourers and 20 others have been injured, and this happened after a chemical tanker leaked in an industrial area. Right, let me go across to our correspondent Amit Rajput for more details. Amit, कैसे हुई ये पूरी घटना, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। ये जो घटना है, ये सूरत से पास में आई हुई जीआईडीसी, जो सचिन जीआईडीसी है, वहां पर एक साड़ी मिल के बिल्कुल बाजू में एक नाला बहता है, और वहां पर देर रात वडोदरा से आया हुआ एक केमिकल से भरा हुआ टैंकर वडोदरा से सूरत आता है, और विशेष रूप से ये जो प्रतिबंधित केमिकल है उसे इस नाले में डालने के लिए एक ट्रक में भेजा जाता है जो वडोदरा का है। और दूसरी बात ये है कि नाले में डाला जा रहा था तो बाजू में ही जो साड़ी मिल है वहां पर नाइट शिफ्ट भी मजदूरों की चलती थी, तो कुछ मजदूर चाय पीने के लिए बाहर आए हुए थे और कुछ वहां पर सो रहे थे, तो जैसे ही ये गैस केमिकल जी, अमित के फोन लाइन में थोड़ी दिक्कत है, बट वी विल ट्राई एंड रीकनेक्ट ओवर अमित देयर। बट बिग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम गुजरात, वेयर 6 लेबरर्स हैव बीन किल्ड बिकॉज ऑफ अ केमिकल टैंकर लीकेज एंड 20 अदर्स हैव बीन इंजर्ड। वी विल गेट यू ऑल द अपडेट्स एज एंड वन दे कम ऑन दिस बिग स्टोरी।